ये सही में लड़कों की आवाज क्यों आ रही है? लो आ गई है कॉल। हाँ भाई कहाँ पर है? आ गया नीचे बंदे यहाँ पर, ये बैरिकेड लगे पड़े हैं। तो तू कह रहा नीचे तो मतलब घर के नीचे आके एक मिनट रुक। ये देखो फुकी पड़ी है लौंडे की, फुकी पड़ी है फुकी। तू नहरा जैसे कैसे लग रहा है? नहीं आएगा यार, अबे सब आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, कुछ बोल ले। अरे अभी मूड नहीं है, एक घंटा ना चुप रहूंगा तब जाके ठीक रहूंगा। अबे चल यार अभी वैसे दिमाग खराब है, क्यों मजे ले रहे? गोले सेइंग समथिंग, हां सुनना ध्यान से। अबे भाई चल तो और लेट कर ले, वो और गालियां सुनाएंगी तो सुनता रहियो। नहीं नहीं मैं की सुनूंगा, तू सुनियो। सर क्यों दर्द साले? एसी ऑन तो गाड़ी चला ले यार, एसी ऑन तो कर ले चूती। एसी ऑन नहीं अभी भी, गांड हो गया। फोन रखा उसका, उसके बाद भाई 15 मिनट बाद नींद खुल गई। भाई नींद ही नहीं, सुबह 6:30 तक फ्री हूँ। 11 बजे चाची के घर गया था, माँ ताश खेल रहे थे, 2:30 बजे निकला हूँ। क्या बात है, कौन जीता? 10-12 बंदे थे, नहीं पता। उसके बाद भाई वहाँ से रजौरी से बस तू तो जीता ही होगा ज्वारी, कुछ ना कुछ तो। अबे सुभाष नगर से रजौरी गार्डन था, मैं कितनी देर में पहुंचा हूँ? और रजौरी गार्डन से सुभाष नगर, नो आइडिया, गेस कर। 45 मिनट्स। क्या बात कर रहा है, रजौरी से सुभाष? हाँ भाई सर दर्द हो गया, तेरे को पता मैं कितने बजे घर पहुंचा हूँ अभी? 3:35। कांडू 10-15 मिनट तक वेट करवाया तूने? बाफे ले उठा लिया, ले। हाँ बोल भाई, तेरे घर के बाहर चोर वोर इतने सारे हैं यहाँ पर, कभी चोरी होती है, कभी कोविड हो जाता है किसी को। तू तो कौन मेरे ऐसी लोगों के लिए क्या है? मेरे जैसे लोगों से प्रोटेक्शन के लिए है। ऐसा क्या होती है? हाँ तो उसको बोला कर आवारा गर्दी कम करके घर आ कर, फिर इतना सर दर्द होता है तो। हाँ सुन रहे, सुबह सुबह ऐसे चिड़ चिड़ के बात। भाई इसकी शक्ल दिखाऊंगा मैं तुझे वीडियो में। अच्छा पहुँच गया, बोल दे आज पहुँच गया ब्रो, पहुँच गया पहुँच गया। तो भाई देवी तू क्यों नहीं बोल रहा? तेरी आवाज भी जा सकती, तू क्यों नहीं बोल रहा? मैं बोल तो रहा हूँ, पहुंच गया। ओह माय गॉड, लड़ाई हुई है। सो हेलो गाइस, हेलो गाइस, ये जो है मेरा वीलॉग है। हमारी ट्रिप स्टार्ट होने वाली है नैनीताल के लिए। अब हम पिक करने वाले हैं कुछ लेट लतीफ को, इसकी मैंने बकचोदी दिखाई है, इसको कंटिन्यू रखना, अभी देखते रहना ठीक है। कुछ सुनाई नहीं देगा, ये आएगा नहीं, आवाज ही नहीं आ रही। थोड़ा तेज बोल, सुनाई देगा। है बल्ला, ओए डुबिडू, मतलब कतई लेट आ रहे हो तुम लोग। हैं चंदू, चंदू उठा रहा हूँ, उठा रहा हूँ। कुछ होता है कि काजल अपने पति को समझा ले। क्या है बैटमैन? चल बैटमैन। मेरा उधर ही ध्यान है, तेरा बाबू निकाल दे कि वो। वैसे सही में इसका ना सारा ध्यान इस पे आ रहा है। जनानी चालू मौके चाहिए सुनाने के, 2-3 बार हो जाए तो आता है। चूतड़ है यार भाई, ऐसे थोड़ी ना इस ग्रुप में चूतड़ तो सभी हैं। सी क्या सी, सुनने वाली बात कर रही है वो, तो हम सुने, देखे उस बात को। सुन नहीं नहीं देखे उस बात को, चल मसूरी लेके चल। नो फैंस यार प्लीज, अगर साथ में ऐसे लोग दिनों का तो अच्छी बनेगी, बड़ी बेइज्जती महसूस होगी। ऐसे कैसे चला जाएगा भैया, कौन जाएगा कौन? ये साथ में साड़ी पहन के आ जाएगी, चाय चुई पिलाने वैसी लग रही है बिल्कुल। चाय चुई गली बड़ी चुप, वही तो बनाना था।
क्या प्यारा प्यारा सा लग रहा है। क्या मनुष्यत खिलाई है सुबह सुबह है। हम तो बीकानेर जा रहे थे लेकिन अभी हम नहीं जा रहे हैं बीकानेर। हम नहीं जा रहे। गाइज अगर आप लोग नैनीताल के लिए निकल रहे हैं तो ये कुछ 130 किलोमीटर के बाद ये बर्गर किंग वगैरह बीकानेर वगैरह ये सारा यहाँ पर आपको जाते टाइम पे मिल जाएगा। खाने के ऑप्शंस के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं बट उनकी कुछ मिलेगा। भाई साहब कह रहे हैं बंद है। सब बंद है भैया। भैया सबवे का ओपन है थैंकफुली। भैया कह रहे हैं कहाँ से छूट गया है। तो गाइज ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपको सुबह सुबह कॉफ़ी चाहिए और हेल्दी खाना चाहिए तो सबवे तो सबको ही पता है कि कितना अच्छा ऑप्शन है इस चीज़ के लिए। और अंदर बर्गर किंग है जिसको मतलब बर्गर शर्गर चाहिए तो भाई साहब वो अंदर जाके बर्गर शर्गर खा सकते हैं। हमने सब कुछ ही ना सबवे वाला जो डाइनिंग एरिया था उधर ही खाया था। ये कैमरा हर टाइम मेरे ऊपर रहना चाहिए। गाइज ये वो जगह है जहाँ पर मैंने रियलाइज़ करा था कि मेरे साथ कितना तगड़ा सीन हुआ है और जो सीन हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ है बाद में। सबसे बेस्ट जगह क्या लगती है जब हम लोग बाहर निकल रहे हो। गाइज सीन ये हुआ था कि मुझे यहाँ पर इस मोमेंट पे रियलाइज़ ये हुआ था कि मैं अपना वॉलेट जो है वो घर पे ही भूल गया था। ड्राइविंग लाइसेंस अपनी आईडीज वगैरह सब कुछ वहाँ पर ही भूल गया था और शुक्र है कि मेरे पास इन सब की डिजिटल कॉपीज थी। अगर आप कभी भूल जाएं अपना वॉलेट वगैरह घर पे ही एटलीस्ट आपके पास अगर फ़ोन में उससे कुछ आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है अगर आप लोग भूल जाएँ इट्स ओके बट ज़रूरी नहीं है कि आपको भूलना चाहिए। आप प्लीज़ चेक करा करिए कि आप क्या चीज़ रख रहे हैं क्या चीज़ नहीं रख रहे हैं। मेरी तरह बेवकूफ़ी मत करना। मैंने ये फर्स्ट टाइम ऐसी गलती करी है लाइफ में बट आप इस गलती को ना करें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीज़ की लिस्ट बना के उस पर चेक ज़रूर करिए जब भी आप वेकेशन पर जा रहे हैं। जब आपके साथ एक दो बंदे और जा रहे हैं साथ में तो इतनी टेंशन वाली बात होती नहीं है सब काम हो जाते हैं। बट हाँ सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप डिजिटल कॉपी होनी चाहिए आपके फ़ोन में एटलीस्ट तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट उन्हें अच्छा लगेगा कि तू उनके साथ खाना खा रही है ना भाई। मतलब वो भी ऐसे देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि हाँ कि हमारा होस्ट खाना खा रहा है हमारे लिए हमारे साथ। गाइस बेस्ट पास जो था वो दिल्ली से यहाँ पर जो प्राइस था बहुत डिफरेंस था। दिल्ली में जो चीज़ 500 की यहाँ पर 250 रुपये की मिल रही थी तो बेस्ट पार्ट ये था। न्यू सेठ जी को ना अकाउंट रखने के लिए कितने पैसे मिले 5,000 रुपये। इग्नोर रॉयली इग्नोर। क्या है गली गली क्या है बढ़िया। चलो से हाय हाय से हाय टू माय फेम माय क्या लिख रहा था फ्रेंड फेम 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 व्हाट एवर। भाइयों और बंधुओं तो लोग आजकल बड़ा परेशान हो रहे हैं कि दिल्ली से बाहर निकला जाए तो कैसे निकला जाए और जाना पॉसिबल है या नहीं रोक टोक है या नहीं तो उसके बारे में आपको अभी हम बीच में बताते रहेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है कौन से ठुल्ले रोकते हैं और कौन से नहीं रोकते कौन से रिस्ट्रिक्शंस है या नहीं है। वैसे तो कुछ भी नहीं है जहाँ तक कि मुझे लग रहा है। और ये देखो वेले लोग यहाँ से निकलेंगे हम। ये शॉट लेगी चंदू लो पकड़ो होल्ड इट मैं लूंगी पीछे से। अरे ये देखिए हमारे यहाँ का कूड़ा देखिए बंदा भाग रहा है ये देखिए चलो चलो।
देखिए ये देखिए मुग्गा भाई, एक दावा होता वही रिपीट होता रहता है। किसी ने मारपीट देखनी है, वो देख रही ऊपर से नीचे उसको। ये कैसे, ये कैसी मारपीट कर रही है पागल, इससे इससे अच्छी मारपीट तो मैं मुस्तफा में करता था। मैं न्यूज एडिट हूं ना, बस मेरे पे डाली रखेगी, नजर लग जाएगी मुझे। इतने फैंस हो गए ना मेरे, एक तो कि मैं यार शिट मैन तेरे बैठ ही मजा आ जाएगा रास्ते में। तो भाई तेरे आना कट गया, किसका कट गया, कट गया ना। अरे नहीं ऐसे अच्छी अच्छी, अरे नहीं जयकारा लगा, चलो उससे जयकारा लगवाऊंगा। देख जयकारा खोले में घूम, खोली जयकारा, मैं रुक लो, देख भैया का पीछे खुला हुआ है ना, शीशा नीचे करके फिर करूंगा। जयकारा शेर वाली दा ओय साचे दरबार। मैंने कहा था ना, मैं पहले इमेजिन कर लेता कि माइक होगा गाड़ी में गाते हुए जाएंगे, कोई को नीचे करवा के फिर बोलते हैं भैया के यार इनसे नहीं कोई, वो ट्रक ट्रक वाले से। अच्छा हाँ बोल, ये क्या था, ये क्या था, व्हाट वाज दैट, एक्साइटमेंट थी भैया, कैसे चला रहे हैं तमीज नहीं है बोले से मुझे ले ले तो भैया कैसे भैया पैसे बताओ। इसमें लड़कों की आवाज क्यों आ रही है, मतलब लड़कों की। हो गया है तुझको जो प्यार सजना, सहारा पूरी ऐसी ऐसी फेर दी, दो मिनट का मजे एक ट्रक वाले से पूछो भैया कहाँ जा रहे हो, ये जो शीशा है ये सही में लड़कों की आवाज क्यों आ रही है, ये तो ना लड़कों की थी या लड़कियों की थी। पानी में उसको बोल रहा वो देख रहा है। गाइस इस मोमेंट पे हमें रोक लिया गया था चेकिंग करने के लिए कि इनके पास ई पास है या नहीं, बट हमारे पास ई पास नहीं था। ई पास नॉर्मली आपको मिल जाएगा, उत्तराखंड की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप डिटेल्स भरेंगे अपनी के कितने कार के पैसेंजर्स हैं एंड किसकी कार है, कार डिटेल्स लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, आपको होटल की रिसिप्ट डालनी पड़ेगी, होटल की डिटेल्स डालनी पड़ेगी, बस यही कुछ डिटेल्स हैं जो आपको डालनी पड़ेगी और आपको ई पास मिल जाएगा, जिसके लिए आपको कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। गाइज यहाँ पर मैं उतरा था क्योंकि मुझे ये जगह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जब आप गड़प्पू पहुँचेंगे तो वहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको ये जगह देखने को मिलेगी। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे बड़े ही प्यारे से छोटे छोटे से घर बने हुए थे, जिसको देख के मुझे रहा नहीं गया, मुझे लगा कि यहाँ पर उतर के शूट ज़रूर करना चाहिए और मैं अपनी धन्नों को भी दिखा पाऊँगा इसी बहाने। तो ये रही मेरी धन्नो। गाइस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, जब हमें गड़प्पू पे रोका गया था ई पास के लिए तो हमारे पास ई पास नहीं, हमें पता नहीं था कि ई पास रिक्वायर्ड है या नहीं, बट ई पास गाइस ज़रूर आप ले लेना घर से निकलने से पहले, मिल जाएगा, वेबसाइट पे जाएंगे डिटेल्स भरेंगे, आपको सब बहुत ईजी टू एक्सेस है। अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए उस चीज़ का तो मैं आपको वो दे दूँगा, प्रोवाइड करवा दूँगा, मुझे कमेंट में बता देना। और आपको ई पास उसी टाइम मिल जाएगा जिस टाइम आप अप्लाई करेंगे, तो वो आप दिखाएंगे और ये लोग आपको जाने दें। अगर आपके पास ई पास नहीं होगा डोंट वरी, घूस चलती है हमारे देश में बहुत तगड़ी, उस मांग रहे थे, मैंने 200 दिखाए, सीधा उन्होंने बोला कि भाई साहब हमारे यहाँ पर 7 बंदे हैं। मैंने फिर वो 500 रुपये और निकाल पकड़ाया और चलता बना। तो आप इस तरीके से भी बच जाएंगे अगर आप ई पास नहीं लेंगे, तो बेहतर यही होगा कि आप ई पास ले लें। ओके द व्यू गाइस, यहाँ पर आपको रस्तों में ही बादल देखने को मिल जाता है, वाओ। तो फाइनली हम लोग माल रोड पहुंच चुके हैं और ये है माल रोड का स्टेडियम, जहां पर पार्किंग भी होती है और काफ़ी सारे शोज होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, गेम्स होती है। यहां नैनीताल का मेन पॉइंट है। यार ये नैनी रिट्रीट कुछ ज़्यादा ही दूर नहीं है, आप ही से ट्रैकिंग।
आ गए क्या? कोई सा है नैनी रिट्रीट है भी कि नहीं है? लग नहीं रहा, कोई एक बार अपने गूगल पे चेक करो। अभी इतनी देर से गूगल पे ही चेक कर। हाँ तो गोली कहाँ आ गए भाई हम? भाई हम अभी हैं नैनी रिट्रीट। ओके ओके, दी नैनी रिट्रीट। हाँ ये बाकी सारे जो booking.com Goibibo हैं, कैसे चूतिया काट रहे हैं लोगों का भाई? बहुत गंदा काट रहे हैं, इतने हाई प्राइसेस दिखा रहे हैं, यहाँ हम इतने रीजनेबल रेट में करेंगे। 850 मीटर में है माल रोड में। हाँ। और ये हमें कितना लंबा? आई थिंक ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर। ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर। इतना चूतिया काटते हैं जो हम आपस में नहीं काटते, इतना ज्यादा चूतिया काटते हैं ये जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं। तो भाई डायरेक्ट आओ, अपने हिसाब से होटल्स देखो, चूज करो, डायरेक्ट बात करो और आके स्टे करो, वो ज़्यादा बेटर है। बाकी दिखाते हैं आपको नैनी रिट्रीट, काफ़ी सेक्सी लग रहा है। अब चेक इन टाइम हमारा काफ़ी लेट हो गया, देखते हैं क्या होता है। और बाकी प्राइस एंड ऑल उसके बारे में आपको बताते हैं। तो